नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टेरेस का छोटा सा ओवरव्यू दूंगी। जो फूल खिले हुए हैं गर्मियों में, बहुत अच्छे आज फूल खिले हैं, वो दिखाऊंगी। उसके बाद सब्जियों का अपडेट आज मैं दूंगी। एक महीना लगभग हो गया है, जून में मैंने सब्जियां जो लगाई थी वो अभी कितनी बड़ी हो गई हैं और कैसे चल रही हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए, ये मैंने कटिंग से पोर्चूल का और ये स्वीट पोटैटो वाइन दोनों लगाई थी। कटिंग से कितने अच्छे से पूरा गमला भर गया है। तो ऐसे प्लांट हैं जो कहीं भी कटिंग मिले और बस लगा दो, फिर अपने आप ये फैलती जाती हैं। और ये कृष्ण कमल की बेल लगी हुई है इस गमले में, उसी में मैंने लगाई थी ये कटिंग। तो अभी दो तीन दिन से थोड़ा सा बारिश का मौसम जो हो गया है, उसकी वजह से फूल बहुत अच्छे प्लांट्स पर अभी आ रहे हैं। और अभी मैंने फर्टिलाइज़र दिया था दो चार दिन पहले, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला है। और देखिए पीछे कैसे बंदर घूम रहे हैं। अगर ये जाल नहीं लगता तो पौधों को तो ये बंदर छोड़ते नहीं। सबसे सुंदर फूल आज खिले हुए हैं गुड़हल के प्लांट पर, येलो वाले पर भी, रेड वाले पर भी, और एक पिंक वाला है उस पर भी खिले हैं। गुड़हल पर इस टाइम बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और अभी मैंने तीन चार दिन पहले वीडियो बनाया था, फर्टिलाइज़र दिया था गुड़हल के प्लांट में, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। और वो फर्टिलाइज़र ज़रूर आप इस तरह से ट्राई करिए, अपने प्लांट्स में दीजिए। गुड़हल पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया कलियाँ आएंगी और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। पौधे की पत्तियाँ भी बहुत हरी भरी और सुंदर हो जाएंगी और फूल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलियाँ आ रही हैं और पौधा एकदम फुल ग्रीन है। यहाँ पर देखिए पोर्चूल का है और पर्सलेन लगी हुई है, इन पर तो रोज ही फूल खिलते हैं गर्मियों का, ये तो सबसे बढ़िया प्लांट है ही। ये दूसरा मेरा गुड़हल का एक और प्लांट है, इस पर भी देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं और बहुत सारी इस पर कलियाँ भी आ रही हैं। तो गर्मियों में सबसे अच्छा प्लांट है गुड़हल, और इसके कितने सारे कलर, अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, तो खूब सारे हम लगा सकते हैं और अच्छे फूल इनसे ले सकते हैं। टिकोमा पर भी बहुत अच्छे फूल आते हैं गर्मियों में, और ये मेरा प्लांट एक साथ फूलों से भरता है। अब जैसे इस पर एक साथ इतने सारे गुच्छों में फूल आते हैं, और फिर मैं इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूंगी जहाँ जहाँ से भी ये फूल खिले हुए हैं, तो फिर 10-12 दिन बाद फिर से पूरे प्लांट पर ढेरों फूल एक साथ आएंगे। तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट हैं गर्मियों के। और देखिए ये है विनका के प्लांट, विनका के प्लांट भी बहुत अच्छे फूल दे रहे हैं। बस अभी थोड़ा बारिश हो रही है तो इनका थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ज़्यादा बारिश हो तो इनको थोड़ा सा हमें उठा के रख लेना है एक तरफ, ताकि ये ओवर वाटरिंग से बच जाएं, वरना ये बस ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होते हैं, नहीं तो चलते रहते हैं बढ़िया। जड़ें इनकी बहुत जल्दी गल जाती हैं अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी चला जाए गमले में। फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पर, देखिए कितने पूरा भरा हुआ है गमला। और दो प्लांट ये मेरे 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए इस गुड़हल पर भी आज बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं, पिंक कलर का। इस पर थोड़ा छोटे फूल रहते हैं और बहुत सारी कलियां इस पर आ रही हैं। तो गुड़हल के लिए तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है जो मैंने बताया है। केले के छिलके हमें देने हैं, लेकिन किस तरह से देने हैं ताकि हमारा प्लांट उसको अच्छे से ले सके और फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए पीछे, जो मैंने अभी तीन चार दिन पहले डाला है। ये विनका का दूसरा कलर है, इस पर भी बढ़िया फूल आ रहे हैं। और ये बोगनविला वाइट कलर की है, बहुत अच्छे इस पर एक साथ अभी कलियाँ आई हैं और बहुत सारे फूल आ रहे हैं। दो और हैं अलग अलग रंगों के मेरे पास बोगनविला, लेकिन उन पर अभी फूल नहीं आ रहे हैं, लग रहा है कि अभी जल्दी उन पर भी फूल आएंगे। इसके अलावा हमें बीच बीच में जिन पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं उनकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। देखिए मेरा हरसिंगार का प्लांट है, इसकी मैंने देखिए प्रूनिंग की है अभी, तो जहाँ से भी इसको कट किया है दो दो ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इससे हमारे पौधे घने हो जाते हैं। और जब पौधा घना होगा तो उस पर फूल भी फिर जब ज़्यादा आएंगे, जब भी फूल खिलेंगे तो ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। तो हमेशा हल्की हल्की प्रूनिंग कर देना चाहिए, और अभी तो बारिश सी हो गई है, तो बारिश के मौसम में तो हम किसी भी पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया उस पर अच्छे से ब्रांचेस आ जाती है। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड में जहाँ पर हमारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, और ये सब्जियाँ मैंने जून में लगाई थी, बीज से ग्रो की थी, बहुत ही गर्मी थी उस टाइम पर,
तो चलिए दिखाती हूँ किस तरह से हमारी सब्जियाँ बढ़ रही हैं। सब्जियों के प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और अभी पूरा 1 महीना नहीं हुआ है, लगभग 1 जून 2 जून के आसपास मैंने इनको लगाया था, तो अभी जुलाई की तो 1-2 तारीख अभी आने वाली आई नहीं है, तो बहुत बढ़िया इनकी ग्रोथ हो रही है। टमाटर के पास गेंदा भी लगा दिया एक मैंने, ताकि थोड़ा सा कीड़े वगैरह कम आए, और इसी में 2 तोरी की बेल लगी हुई हैं जो काफ़ी ऊपर तक चली गई हैं, और इनकी मैंने थोड़ा सा वो जो 2G 3G कटिंग करते हैं वो भी की है, तो ब्रांचेस इनकी आ रही हैं कई कई, तो देखते हैं कि कैसे इन पर सब्जियां आती हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा जब इन पर सब्जियां लगेंगी। लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है अभी, बेल ये 1 महीने के अंदर देखिए कितने ऊपर तक चली गई हैं और बहुत ही बढ़िया तरह से चल रही हैं, किसी तरह का कीड़ा नहीं है इन पर। बीच में मैंने इन पर छाछ से स्प्रे किया था, एक बार नीम से स्प्रे किया है नीम की पत्तियों से, एक बार मैंने मिर्च और लहसुन का जो मैंने बायोएंजाइम बनाया हुआ है उससे स्प्रे किया है, तो कोई कीड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ़ हैं सब्जियां, और किसी तरह का कोई मैंने इस पर और कुछ चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया। बीच में मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, कंपोस्ट ही दिया है इनमें, तो यही मैंने इनमें दिया अभी तक। और देखिए खीरे की बेल है तो बहुत ही अच्छे से चल रही है, इस पर कुछ फूल भी आने लगे हैं, अभी ये मेल फ्लावर्स है तो अभी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और ये भिंडी के कुछ प्लांट लगे हुए हैं इधर, यहाँ पे मैंने एक प्याज लगा दी है, और ये भी खीरे की बेल है जो आम के पेड़ में लगी हुई है, ये भी बहुत ही बढ़िया चल रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। एक तो जब हम 2G 3G कटिंग करते हैं तो उनमें ब्रांचेस 3-4 निकल जाती हैं, तो उससे प्लांट हमारा घना हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा घनी हो रही हैं। इसी के नीचे एक भिंडी का भी देखिए लगा हुआ है प्लांट, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो छोटे छोटे से पौधे ये बीच से जब लगाए थे, लग नहीं रहा था गर्मी में कैसे चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखिए लौकी की बेल है, गमले इनके काफ़ी बड़े बड़े लिए हैं इस बार मैंने, तो देखेंगे कैसे इन पर सब्जियां आती हैं। और इस लौकी के जो बेल है इसमें 2 भिंडी के भी प्लांट लगे हुए हैं, वो इतने थोड़ा सा दब गए हैं क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो लेकिन फिर भी साइड से वो निकल के चल रहे हैं। ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, खूब ऊपर तक जा चुकी हैं, 2 बेल हैं जो एक साथ लगी हुई हैं। गमला जो ये लौकी का जो गमला है लगभग 24 इंच का गमला है, तो बड़ा गमला है काफ़ी, तो इनको मैं रस्सी पर इस तरह से चढ़ाती रहती हूँ ताकि ये उस जाल पर ना जाएं, उस जाल पर जाएंगी तो बंदर बाहर से इनको ख़राब कर सकते हैं, इसलिए मैं उस जाल से इनको दूर रख रही हूँ, रस्सियों पर ही इनको चढ़ा रही हूँ। ये करेले की बेल हैं, ये भी काफ़ी ऊपर तक जा चुकी हैं, करेले की इसमें 2 बेल लगी हुई हैं। और देखिए ये बैंगन का प्लांट है, और यहाँ पर एक तरबूज का प्लांट उग गया है, वैसे तो अभी मौसम तरबूज का है नहीं, और ये 2 शिमला मिर्च के प्लांट ग्रो हुए हैं अभी, और ये मिर्च का प्लांट है, ये अभी छोटे हैं, बाद में दोबारा से मैंने उगाए थे, पहले वाले ये ग्रो नहीं हुए थे अच्छे से। ये हमारे ग्वाल की फली के प्लांट हैं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ इन पर रोग आ गया है, तो ये मैं इसका अभी कुछ उपचार करूँगी। और ये भी देखिए मिर्च के प्लांट हैं, इसमें कई मिर्च के प्लांट छोटे छोटे और भी ग्रो हो गए हैं, तो ये दोबारा में ग्रो किए हैं तो इसलिए छोटे रह गए हैं, थोड़ा भी थोड़ा सा इनमें टाइम है बड़े होने में। एक टमाटर का ये अभी उगा है, देखिए ये बड़ा है टमाटर का प्लांट, और ये एक करेले की बेल है। ये भिंडी के प्लांट है, ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं अभी, और कुछ भिंडी के 2 प्लांट इस ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो अभी 1 महीना होगा, अभी 2-3 दिन बाद, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए ये वाला जो बैंगन का प्लांट है ये मैंने फुल कोकोपीट में और कंपोस्ट में लगाया हुआ है, मैं देखना चाहती थी कि कंपोस्ट और कोकोपीट में कैसी ग्रोथ होती है। मिट्टी तो इसमें मैंने अभी ऊपर से थोड़ी सी डाल दी थी, तो बहुत बढ़िया उसमें ग्रोथ हो रही है कोकोपीट में भी। और ये टमाटर के 2 प्लांट इस गमले में लगे हुए हैं। तो सारी सब्जियां 1 महीने के हिसाब से काफ़ी बड़ी हो गई हैं, खूब अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है और बिल्कुल बढ़िया तरह से चल रही हैं। कुछ 2 सब्जियां ही हैं, मिर्च और शिमला मिर्च, जो मुझे दोबारा ग्रो करनी पड़ी थी, वो अभी छोटी हैं थोड़ा, तो 1 महीने बाद वो भी बड़ी हो ही जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर अरवी लगाई थी मैंने, तो ये भी ग्रो होने वाली है, तो अरवी मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है, बढ़िया अच्छे से ग्रो हो रही है। और देखिए हल्दी लगाई थी, सारी हल्दी बढ़िया तरह से ग्रो हो गई है, बहुत ही बढ़िया प्लांट निकले हैं हल्दी के, और कुछ अभी निकल भी रहे हैं चारों तरफ से। हल्दी को तैयार होने में तो लगभग 10-11 महीने लग जाते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम है इसको, इंतज़ार करना पड़ेगा इसको लगा के,
लेकिन बहुत बढ़िया तरह से ग्रो हुई है हल्दी हमारी। और ये हमारा अदरक का प्लांट है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने लगाया था, तो एक प्लांट ये ग्रो हो गया है। देखते हैं इस छोटे से टुकड़े में से कितनी अदरक निकलती है। तो बढ़िया ग्रोथ हो रही है सभी सब्जियों की। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।